हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी की पपलाह छत और सडियार पंचायत में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहां लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, तो कई जगहों पर लोगों के घर बारिश के कारण ढह गए हैं। यही नहीं, पंचायत में कई लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और डंगे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इस आपदा के कहर के बाद आज घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे और नुकसान का भी जायजा लिया। विधायक ने प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें विश्वास दिलाया कि आपदा के इस दुखद क्षणों में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है व प्रभावितों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में ये राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिसमें लोगों की कई सालों की मेहनत पल भर में खत्म हो गई है। वैसे तो घुमारवी सब डिवीजन में सभी जगह बारिश से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ एक घर बिल्कुल असुरक्षित हो गए हैं। कल भी हमने छत पपला और लोटी कपाड़ा एरिया का दौरा किया, वहाँ भी कुछ घर जो हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से सुरक्षित हो गए हैं और लोगों ने पूरे जीवन की कमाई इस पर लगाई है, इसमें पूरी तरह से जो है वो मकान और सुरक्षित होने की वजह से वो भारी दिखते हैं उनके सामने हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे राहत देने के लिए राज्य आपदा ग्रसित इसको घोषित किया है, लेकिन अभी तक राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने सभी विभागों से संबंधित, खास करके PWD, IPH, बिजली बोर्ड से संबंधित भारी नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में लगे हैं। और बारिश थमने के बाद फिर जो घरों के नज़दीक लैंडस्लाइड हुए हैं, घरों को नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने में फिर उनके लोगों की सहायता की जाएगी और उस पर जो है युद्ध स्तर के ऊपर काम किया जाएगा। विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि हादसे में बहुमूल्य जान जाने की पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन राज्य सरकार प्रभावितों के घावों पर मरहम लगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार उचित आर्थिक मदद प्रदान करेगी। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार काम जारी होने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।